एक तरफ शुक्रवार की रात जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38 था, वहीं अब एक ही इलाके से 6 पॉजिटिव मामले सामने आने से मरीजों का आंकड़ा 44 हो गया है। इस खबर से दिग्रसवासियों की चिंता वाकई बढ़ गई है। बावजूद इसके शुक्रवार की देर रात एक और शनिवार की दोपहर दो लोग कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव का कामयाब सफर तय कर सही सलामत अपने घर लौटे हैं। घर लौटे इन लोगों ने NBCN से अपने विचार साझा कर शहरवासियों को कोरोना से घबराने के बजाय उसका सही तरह से मुकाबला करने का संदेश दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में आए दिन हो रहे इजाफे के चलते दिग्रह शहर और परिसर के लोगों का समय मानो पल पल कोरोना भय में बीत रहा है। जहाँ शुक्रवार की शाम तक तहसील के कोरोना मरीजों की कुल संख्या 36 थी, वही शुक्रवार रात तक 3 और अब शनिवार की शाम को काजीपुरा इलाके से नए मामले सामने आने से कोरोना मरीजों की कुल संख्या 44 हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रादुर्भाव से लोगों के दिलों में डर का बैठ जाना लाजमी है। ऐसे में इस वातावरण में घुले हुए कोरोना के डर के बादल कुछ हद तक तब छटे जब शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एक युवा कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना को हराकर कामयाब तरीके से घर वापसी की। वही गंगानगर परिसर से सटे विठल नगर निवासी शबीर खां का भी कोरोना को मात देकर शनिवार की दोपहर सही सलामत अपने घर लौट आए। इनकी घर वापसी का नजारा भी शानदार था। घंटी बाबा मंदिर के समक्ष दर्शन लेकर राघवेंद्र जब अपने घर की ओर मुड़े तो परिसर वासियों ने फूल बरसा कर उनका स्वागत किया। घर वालों ने आरती उतार कर हर्ष और उत्साह भी व्यक्त किया। मालूम हो कि घंटी बाबा परिसर निवासी युवा राघवेंद्र जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तब से उनकी तबीयत को लेकर शहर में उटपटांग खबरों और अफवाहों ने तुल पकड़ा था। ऐसे में राघवेंद्र ने बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ कोरोना संक्रमण से लड़कर जीत दर्ज कर एक मिसाल कायम की है। शबीर भाई की कहानी भी ज्यादा जुदा नहीं है। उन्होंने भी हिम्मत और साहस का परिचय देकर 16 दिन के भीतर कोरोना को धोबी पछाड़ दी है। राघवेंद्र ने NBCN को उनके उपचार के बारे में बताते हुए यवतमाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। जब मैं यवतमाल हॉस्पिटल मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ तो वहाँ पर मेरे को जो मेडिकल स्टाफ जो है उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। मेरे को सुबह ट्रीटमेंट, दोपहर को ट्रीटमेंट, शाम को ट्रीटमेंट, रात को ट्रीटमेंट, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरा रिकवरी किया है। इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा मतलब कॉपरेट इतना अच्छा किया हमको कि कोई बात की तकलीफ नहीं गई। हाँ, 16 दिन रखे हमको और 16 दिन में कोई भी तकलीफ नहीं गया। इस दौरान राघवेंद्र और शबीर भाई ने संक्रमण से खौफजदा देग्रस की जनता को कोरोना से घबराने के बजाय उसका मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार तथा WHO द्वारा बताए गए रक्षात्मक निर्देशों का अमल में लाने का संदेश दिया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े ने दिग्रस वासियों को भले ही घोर चिंता में डाल दिया हो पर रक्षात्मक निर्देशों का पालन करना ही अब हर एक नागरिक के लिए जरूरी हो गया है। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। वासियों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, अगर काम हो तो ही जाए, अदरवाइज घर पर ही रहे। क्योंकि मेरे को भी मैं पॉजिटिव था, अभी निगेटिव होके आया हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है कि मेरे को कब कहाँ हुआ ये मेरे को भी पता नहीं है। पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात। गौरतलब है कि इन दो लोगों ने कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव होने तक का सफर हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ तय किया बल्कि कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को सफलतापूर्वक मात देकर इससे लड़ने के लिए औरों को भी प्रेरित किया है। NBCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।